Next we have addition and subtraction of matrices. Let matrix A equals to 1, 5, 4, 7. Matrix B equals to minus 1, 3, 0, 5. And matrix C equals to minus 2, 3, 1, 9. Then find matrix A plus matrix B, first part, second part. Matrix A minus 2B, third part, 3A plus B minus C. तो कल आपको मैंने बताया था कि हम सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी हैव मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1, 5, 4, 7. Matrix B equals to minus 1, 3, 0, 5 and matrix C equals to minus 2, 3, 1, 9. Now first part we have to evaluate A plus B. अब एक बात का ध्यान रख लें, कभी भी आपने इसके directly addition करके नहीं लिखना, सबसे पहले आपने matrix लिखना है, वरना कोई marks नहीं मिलेगा, concept wrong हो जाएगा. Simple algebra नहीं कर रहे हम, matrices कर रहे हैं. तो पहले दोनों matrix लिखने हैं आपने, A plus B, A की वैल्यू और B की वैल्यू. नाउ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. A 1, 1 में हम A 1, 1 को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इट इज़ 1 माइनस 1. नेक्स्ट वी हैव 5 प्लस 3, इट इज़ 4 प्लस 0, 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 8, 4, 12. अब ये जो एडिशन मैंने ऐसे लिखे, ये भी आपने डायरेक्टली नहीं लिख देनी है, ऐसे शो करनी है पहले आपने. नाउ सेकंड पार्ट इज ए माइनस टू बी. सो मैट्रिक्स ए 1, 5, 4, 7 माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स बी माइनस 1, 3, 0, 5, 1, 5, 4, 7. नाउ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी इज मल्टीप्लाइड बाय 2. सो वी हैव माइनस 2, 6, 0, 10. पहले मल्टीप्लाई करना, उसके बाद अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो इट इज 1 माइनस माइनस प्लस 2, 5 माइनस 6, 4 माइनस 0 एंड 7 माइनस 10. इट इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 4 एंड माइनस 3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस टू बी. Now third part is 3A plus B minus C. So 3 into matrix A 1, 5, 4, 7 plus matrix B, it is minus 1, 3, 0, 5 minus matrix C minus 2, 3, 1, 9. Now 3A, each element of A is multiplied by 3. So 3, 15, 12, 21 plus minus 1, 3, 0, 5 minus 2, 3, 1, 9. तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे. That is 3 minus 1, 15 plus 3, 12 plus 0, 21 plus 5 minus माइनस 2, 3, 1, 9. ये स्टेप भी आपने एक साथ नहीं दिखाना कि इसको ऐड भी कर दोगे और साथ में उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे, 1 बाय 1 स्टेप आपने शो करने. इट इज 2, 18, 12, 26 माइनस माइनस 2, 3, 1, 9. नाउ वी हैव 2 माइनस माइनस प्लस 2, 18 माइनस 3, 12 minus 1, 26 minus 9. So we have 4, 15, 11 and 17. So this is 3A plus B minus C. Now next we have मल्टीप्लीकेशन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते. नाउ फाइंड ए बी एंड बी ए
F matrix A equals to 4, 5, 2, 3 and matrix B is 1, 3, 2, 1. कल आपको मैंने बताया था मैट्रिसेस में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होती है 99% केसेस में, तो आपने डायरेक्ट ही नहीं लिख देना कि ए बी जितना है उतना बी ए आ जाएगा हमारे पास. नाउ ए एंड मैट्रिक्स बी इज गिवन 1 3 2 1. तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है ए बी मैट्रिक्स ए इन टू मैट्रिक्स बी. मल्टीप्लीकेशन का मेथड भी कल आपको सिखाया था मैंने. हम R1 से शुरू करते हैं, R1 मल्टीप्लाई बाय C1, देन R1 मल्टीप्लाइड बाय C2, सिमिलरली R2 मल्टीप्लाई बाय C1 एंड R2 मल्टीप्लाइड बाय C2. सो वी है R1 से पहले हम C1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 2 10. अब फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया तो अब हम सेकेंड कॉलम पे आएंगे, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 1 5. अब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई हमारी. सेकेंड रो, सेकेंड रो से हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6. नाउ सेकेंड कॉलम सेकेंड रो इट इज 6 प्लस 3 सो 14 17 8 एंड 9. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बी ए. तो पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय ए 4 5 2 3. तो मल्टीप्लीकेशन का मेथड तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 6, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 प्लस 9, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 प्लस 2, देन वी हैव 10 प्लस 3. So it is 10, 14, 10 and 13. अब difference देखो ए बी और बी ए में. और ये भी हो सकता था कि हमारे पास ए बी पॉसिबल और बी ए पॉसिबल ही ना हो. जब बी ए पॉसिबल हो और ए बी पॉसिबल ना हो, वो कल आपको मैंने एग्जाम्पल दे के बताया था कि प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर. तो इस बात का ध्यान रखना है जब भी हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है.